हमारे लिए आज की अंजील मुकदस मुकदस लुका की अंजील उसका 10:21-24 आयत मुकदसा। उसी घड़ी वो रूल कुद्स में मसरूर हुआ और कहा, ए बाप, आसमान और ज़मीन के खुदावंद, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने इन बातों को दनाओं और अक्लमंदों से छुपाया और छोटों पर ज़ाहर किया। हाँ ए बाप, क्योंकि यूं ही तुझे पसंद आया। मेरे बाप से सब कुछ मुझे सौंपा गया है और कोई नहीं जानता कि बेटा कौन है सवाए बाप के, और बाप कौन है सवाए बेटे के, और उस शख्स के जिस पर बेटा उसे ज़ाहर करना चाहे। और अपने शागिर्दों की तरफ तवज्जो करके इन्हें ख़ास कहा, मुबारक हैं वो आँखें जो ये बातें देखती हैं जिन्हें तुम देखते हो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुत से नबियों और बादशाहों ने चाहा कि जो तुम देखते हो देखें मगर ना देखा, और जो तुम सुनते हो सुने मगर ना सुना। अंजील मुकद्दस के वसीले से हम सब की तमाम खताएं मुआफ़ की जाएं। ऐ मसीह, तेरी स्ताइश हो। अजीज समाइन, मैं फादर जेम्स समुएल लोपी दुख्तराने पालूस के तवस्सत से महवे मुखातिब हूँ। यसू अल मसीह रूह में मसरूर महवे दुआ है और खुदा बाप का शुक्र बजा लाते हैं, और यही उस वक्त अपने शागिर्दों को और आज नए दौर के शागिर्दों को यानी हमें सिखाते हैं कि हम भी खुदा बाप का उन तमाम नेमतों बरकतों और बिलखसूस हिकमत का जो हमें अता हुई है शुक्रगुजार रहें। यीशु उनके लिए खुदा बाप का शुक्रिया अदा करते हैं जो खाकसारी हलीमी और छोटेपन में रहते हुए ज़िंदगी बसर करते हैं। खुदा ऐसों पर ना सिर्फ अपने आप को मुनकशिफ करता है बल्कि इन्हें हिकमत और फजल से भी नवाजता है। खुदादाद फजल और हिकमत का अंदाज़ा उनकी शाइस्तगी हमदर्दी और बेलौस खिदमत और महब्बत से बखूबी लगाया जा सकता है। उनका तवक्कुल और भरोसा सिर्फ खुदा होता है। वो अपनी कामयाबियों कामरानियों का ढंडोरा नहीं पीटते हैं बल्कि हलीमी से इस बात का इकरार करते हैं कि ये तो सरासर खुदा का फजल और खुदा की देन है। अगर वो हमारे साथ ना हो तो हम कुछ भी नहीं हैं। ऐसे अशखास दूसरों के लिए खुशखबरी हौसला खुशी और उम्मीद का पैगाम बने रहते हैं। ऐसे अशखास उदासी इस्तराबी और बेचैनी से खाली जबकि इत्मीनान से भरे हुए होते हैं। वो चाहे अनपढ़ ही क्यों ना हो लेकिन उनका बोलचाल रवैया जात रख रखाव हिकमत से मामूर और भरपूर होते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि बहुत पढ़ा लिखा हुआ इंसान बहुत सी किताबों का मुअल्लफ़ व मुनसिफ़ मुसन्निफ़, और ये भी ज़रूरी नहीं कि बहुत आलम या इलम जानने वाला या किसी भी पेशा में माहिर कारीगर हिकमत से भी भरपूर हो। हो सकता है वो हिकमत से कोसों दूर हो, हिकमत से बिल्कुल ही यारी हो। आज के दौर में हमारे गिर्द व नवाह के शहरों और मोहल्लों में बहुत सारे ऐसे पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं जो अपने इल्म महारत इख्तियार दौलत और दुनियावी चीज़ों पर भरोसा रखते हैं। ज़ाती मफाद इनकी अवलीन तरजीह होता है। ये लोग इंसान होकर भी इंसानियत से बहुत दूर होते हैं। रिश्वत लेना मिलावट करना झूठ बोलना बेईमानी करना गरीबों को लूटना और जुल्म करना इनके ख़ास
और साफ होते हैं। मसीह खुदा में मेरे सीसो, आज के मुकदस इकतबासात खुसूसन अंजील अक्दस हमें हलीमी, आजजी, इनकसारी इख्तियार करने की दावतें ख़ास देते हैं। आए अपने आप को छोटा बनाएं, अपने मिजाज को शाइस्ता बना लें और यूँ दूसरों के लिए मोहब्बत, सुलह, हमदर्दी, हौसला और उम्मीद का पैगाम बन जाएं। खुदा मदद में ऐसा करने का फ़ज़ल ख़ास अता करे। आमीन।